मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 इन मैथ द जंक सेलर। जंक सेलर का मीनिंग होता है कबाड़ी वाला। ठीक है, हैव यू एवर मीट अ कबाड़ी वाली? क्या आप किसी कबाड़ी वाले से मिले हैं? अ वुमन हु सेल जंक, जो कि कबाड़ वगैरह को मतलब कि बेचती है। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। यह एक सच्ची कहानी है जो कि किरण द्वारा बताई गई है। हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना, जिनकी पटना में जंक शॉप थी। आई स्टडी इन अ हिंदी, तो यहाँ पर जो लेडीज देख रहे हैं है किरण, जो कि इस स्टोरी को बता रही है। आई स्टडी इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज, मैं अपने गाँव के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़, जो मेरे फादर थे वो चाहते थे कि लड़कियाँ भी लड़कियों की तरह ही स्टडी करें। आई लव हिंदी एंड साइंस, मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद था। बट आई हेट मैथ, लेकिन मुझे मैथ से नफरत थी। टुडे मैथ इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, लेकिन आज मैथ्स मेरे लिए बहुत ही उपयोगी बन गया है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, मैं इसके बिना स्कूल में इमेजिन नहीं कर सकती क्योंकि अब उसको मैथ सब्जेक्ट बहुत ही पसंद आने लगा है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, जो मेरे पिताजी थे एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउस, इसलिए मैं जो मेरी माता जी थी वह घरों में नौकर नौकर का काम करती थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, यह समय हमारे लिए बहुत ही कठिनाई का था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th, मैंने क्लास 8th के बाद स्कूल छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, मैं और अत्यधिक पढ़ना चाहती थी लेकिन जो मेरी मदर थी उन्होंने मेरी शादी कर दी। माई हस्बैंड फैमिली लिव इन ए मड हाउस, जो मेरे हस्बैंड की फैमिली थी वह एक मिट्टी के बने हुए घर में रहती थी, यानी कच्चे घर में रहती थी। हिज ट्रू ब्रदर, उनके दो भाई एंड हिज सिस्टर, उनके एक सिस्टर थी जो कि स्कूल नहीं जाती थी। ही हैड ए टी स्टॉल, और उनका एक चाय का स्टॉल था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, कि यहाँ पर एक कप टी के लिए आप कितना कितनी कॉस्ट दोगे। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी, यहाँ पर आपको पूछना है और बताना है कि एक कप टी की क्या कॉस्ट होगी एट ए टी स्टॉल। एक टी स्टॉल पर कितनी होगी? रुपीज़ 3, यानी 3 रुपीज़। और होटल पर कितनी होगी? 5 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, ए पर्सन हु रन टी स्टॉल अर्न 30 इन अ डे, जो एक पर्सन है वह टी स्टॉल पर 30 रुपये एक दिन में कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, वह 10 डेज में कितना अर्न करता है? अर्न मीन्स होता है कमाना, तो 30 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो आपका आएगा 300, यानी 300। नेक्स्ट है एंड इन अ मंथ, अब यहाँ पर डेज में बताया था और यहाँ पर बताना है मंथ। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30, तो यहाँ आप 30 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, यह आ जाएगा आपका 900। ठीक है, यानी आपका आएगा 900। चलिए नेक्स्ट, आई बाउट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगी। आई थॉट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप, मैंने सोचा था कि मैं चूड़ी की दुकान खोलूँगी और एक टेलर शॉप, यानी टेलर मीन्स होता है दर्जी और शॉप मीन्स दुकान, यानी दर्जी की दुकान। बट माई अंकल सेल, लेकिन मेरे अंकल ने बोला दैट वी हैव कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप, कि हमें और अत्यधिक धन कमाना है इसलिए हम एक जंक शॉप ओपन करेंगे। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन ए जंक शॉप, 2001 में मेरी मदर इन लॉ ने और मैंने एक जंक शॉप ओपन की। वी टुक अ लोन ₹8,000 फॉर द शॉप, और हमने अपनी शॉप के लिए ₹8,000 का लोन लिया। फाइंड आउट वॉट इज लोन, आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि लोन क्या है, क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टॉकिंग ए लोन, क्या आपने किसी को लोन के बारे में बातचीत करते सुना है और क्या, तो यहाँ आएगा आई हियर्ड अ पर्सन टुक लोन, ही टुक लोन एंड टू स्टार्ट हिज शॉप। हाउ मच लोन वॉज टेकन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10,000, कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं 10,000। ठीक है, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, अब उन्होंने जब 10,000 का लोन लिया था उनको कितना बैक करना पड़ा, यहाँ पर आएगा 11,000, क्योंकि 10,000 थी जो आपकी एक्चुअल अमाउंट थी, 1,000 आपके इंटरेस्ट के ऐड हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000, क्योंकि जब हम लोन पर कोई लोन लेते हैं तो हमें उसकी किस्तें भी चुकानी पड़ती हैं। ठीक है,
किस्त भी चुकाउट पे जो ब्याज आता है वो भी हमें कब चुकाना पड़ता है, यानी 1000 ये इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय ए हैंड कार्ट फॉर 300 रुपीज़। जो हरिया था और बाबू था उन्होंने एक कार्ट खरीदा, हैंड कार्ट खरीदा जो कि 300 रुपीज़ का था। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक। में उन्होंने बैंक से 300 रुपये का लिए, कितने दिन, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। आई विल पे 51 रुपीज़। उन्होंने ओनली केवल 51 पे किए हैं और उन्होंने जो 300 रुपीज़ थे वो 6 मंथ के लिए लिए थे। अब यहाँ पर बताना है बट आई हैव टेकन इन लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम चुन्नी लाल आफ्टर 6 मंथ। आई विल पे बैक 360 रुपीज़ और 6 मंथ बाद मैं उन्हें 360 रुपीज़ पे करूँगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा, देखिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ये उनका सॉल्यूशन है। फर्स्ट है, हैव यू एवर हर्ड समवन टेकिंग अ लोन फॉरवर्ड। तो आंसर है, आई हियर अ पर्सन टुक लोन, ही टुक लोन टू स्टार्ट हिज शॉप। हाउ मच लोन वॉज टेकन, उन्होंने कितने का लोन लिया था। ही टुक ₹10,000। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, अब उन्होंने कितना बैक किया यानी वापस किया। ही पेड बैक ₹11,000 आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर के बाद, एक साल के बाद उन्होंने 11,000 पे किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब इसमें बताना है हरिया और बाबू में से किसने ज़्यादा पे किया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हरिया हैज़ टू पे ₹51 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पर जो हरिया है उन्होंने 51 रुपीज़ एवरी मंथ पे किए, यानी 6 मंथ तक उन्होंने पे किए। अब टोटल मनी ही हैज़ टू पे, टोटल मनी कैसे पे की उन्होंने, तो 51 की मल्टीप्लाई 6 मंथ तक करनी थी, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 6, 6 5 30, यानी 306। बाबू हैज़ टू पे ₹306। और यहाँ पर दिया हुआ है, बाबू हैज़ टू पे 360 60, यानी 306 बाबू ने पे किए एंड 316। हैंस बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, यानी जो सबसे ज़्यादा मनी किसने पे की, बाबू ने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 62। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल लाफ्ड एंड टीज अस अबाउट अवर वर्क, जो लोग थे वो हमें चिढ़ाते थे, हमारे वर्क पर हंसते थे। दे कॉल इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, भी हमें बोलते थे कि यह गंदा काम है और यह डर्टी बिजनेस है। बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, क्योंकि मुझे पता था यह आइडिया कार्य करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, अब हमारा एक पक्का घर है विद इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। वी हैव अ फ्रिज, एक फ्रिज, हमारे पास एक फ्रिज भी है, अ टीवी, टीवी एंड अ गैस स्टोव, और गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, और अब मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं और जो मेरी डॉटर्स हैं वो भी स्कूल जाते हैं। आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ऑन, और अब जो मेरी खुद की 9 रिक्शा हैं। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, मैंने जो अपनी रिक्शा है वो रेंट पर दी हुई है। ईच ₹4.20 a day, और जिससे उसे 1 day में ₹20 मिलते हैं। ऑन संडे आई डो नॉट टेक एनी मनी फॉर दैम, लेकिन संडे में मैं उनसे कोई मनी नहीं लेती। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे, रिक्शा शी गेट ₹20 per 1 day, जो 1 day में वह ₹20 अर्न करती है यानी कमाती है। तो 9 रिक्शा से कितना कमाएगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9, आप यहाँ पर लिखेंगे, आप 20 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, ये आपका 20 है, तो आपका आ जाएगा ₹180। ठीक है, यानी इसमें यहाँ पर आएगा 118। आई विल डू इट दिस लाइक 9 times 2 is 18, सो 9 times 20 is 180। ठीक है, अब है बट आई फाइंड द इजर फॉर 10 रिक्शा, शी विल गेट 20 multiplied 10 is equal to 200, सो 9 रिक्शा सी विल गेट 200। ठीक है, अब देखिए 20 जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 20 की मल्टीप्लाई 10 से की है, तो आप आता है 200। ठीक है, और 9 रिक्शा है तो कितना आएगा,
तो 9 की मल्टीप्लाई अगर आप 20 से करेंगे तो आएगा 180। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और जो भी वर्क यहाँ पर बुक वर्क है वो अपने बुक में ही करना है। थैंक यू।